नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको मैथमेटिक्स में इतना बढ़िया कर दूंगा कि आपको मैथमेटिक्स चुटकियों के सवाल लगेगा। आप करते जाइए, मैं आपको बताता जाता हूं। आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि दो डिजिट, कोई भी दो डिजिट का स्क्वायर यानी कि वर्ग हम कैसे निकालते हैं। पहले कोई भी एक डिजिट ले लेते हैं। मान लिया हमने लिया 22 का स्क्वायर। एक एक स्टेप को समझिए और फिर देखिए कि आप वर्बली इसको कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, 2 and 2 का स्क्वायर निकालना है। सिंपल, इसका स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर 4। इस 2 का स्क्वायर कितना है? 4। लेकिन हमने जब पिछली वीडियो बताया था, यह हमको क्या लिखना है, जब दूसरे अंक पे आएंगे तो दो डिजिट आनी जरूरी है, तो इसलिए यहां पे हम क्या लिखते हैं, 04। एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, 2 को 2 से गुना करिए और फिर इसको 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 2 into 2 into 2 कितना हो गया, दिस इज द 8। 8 को यहां लिख दीजिए, 4 8 and 4। क्लियर आंसर? नो प्रॉब्लम। एक बार फिर बताते हैं, हम 22 का हमको स्क्वायर करना है। पहली डिजिट का एज स्क्वायर उतार के नीचे रख दिया, दूसरी डिजिट का स्क्वायर किया, 2 2 4। 4 हमने यहां पे लिखा क्योंकि हमारा जो राइट हैंड साइड है उसमें दो डिजिट आनी जरूरी है, इसलिए हमने इसके आगे 0 लगा दिया, 4 0 4। और फिर 2 को 2 से गुना किया और फिर हमने 2 से उसको फर्दर गुणा कर दिया तो 8 आ गए, 484। एक और एग्जांपल अभी हम लेते हैं आपके लिए, मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब हम ले लेते हैं 36 का स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है? बिल्कुल सिंपल है, फिर वही हमें करना है। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, क्योंकि यहां ऑलरेडी दो डिजिट है, हमने 0 नहीं लगानी है। अब क्या करना है, 3 को 6 से गुना करना है और फिर 6 को उसको जो दोनों आए उसको 2 से गुना करना है। 3 6 18 और 18 2 36। 36 हमने यहां पे लिख देना है, हमारा आंसर आ गया 6 9 1 2। एनी डाउट? एक और एग्जांपल आपके लिए लेते हैं। हमने ले लिया 48 का होल स्क्वायर, फिर वही 4 का स्क्वायर 16, 4 4 16, 8 का स्क्वायर 8 8 64, और इसको इससे गुना किया और इसको इससे गुना किया, क्या आया, 4 8 32 32 2 64। 64 हमने यहां पे लिख दिया, ये हमारा आंसर 6 4 10। एक हमारा कैरी ओवर हो गया, 7 plus 16 13, एक कैरी ओवर हो गया, 1 and 1 2। 2 3 0 4। एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल फिर आपके लिए और ले लेते हैं। हम ले रहे हैं यहां पे 69 का होल स्क्वायर। कैसे करेंगे, थोड़ा मैं आपको स्टेप बता देता हूं आपको, ताकि आपको आसानी रहे। क्या किया, सबसे पहले 6 का स्क्वायर लिखा हमने, उसके बाद हमने यहां पे 9 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर हमने क्या किया, इसके नीचे हमने 6 into 9 into 2। क्लियर हो गया? अब कैसे किया हमने, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81 एंड 6 9 54, 54 2 108। 108 हमने यहां पे लिखा, आंसर 1 8 plus 8 is 16, 1 कैरी ओवर, 1 plus 6 7 and 4 कैरी ओवर। इट इज क्लियर? क्लियर? अगला एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। मजा आ रहा है? क्या कर रहे हैं आज हम, आज हम कर रहे हैं किन्हीं भी दो डिजिट का स्क्वायर दो स्टेप में, सिर्फ दो स्टेप में। हमने आपको अभी तक जो एग्जांपल बताए हैं, कुछ और एग्जांपल आपको ले लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस पूरी हो जाए। मैंने आपको बताया है यदि ये स्टेप वाइज आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे
और होमवर्क करेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा और आपका ये काम चुटकियों में होना शुरू हो जाएगा। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लास्ट 99 इज द लास्ट फिगर। क्या है? 9 का स्क्वायर 81, 9 का दूसरे 9 का स्क्वायर 81, 9 इंटू 2 162 8 + 2 10, 1 कैरी ओवर, 1 + 1 2 + 6 8 and 9, 980 इज द आंसर। वन मोर, 58 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 5 8 40 इंटू 2 80, 4 6 3 3 3 3 6 4। वन मोर एग्जाम्पल। ये जो मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रहा हूं, इसका मेन मकसद ये है कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। मेरे को जो प्रैक्टिस हुई है तो मैं इसको, इसके आंसर को डायरेक्ट भी लिख सकता हूं अपने माइंड में कैलकुलेशन करके, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में भी कैलकुलेशन होनी शुरू हो जाएंगी। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 8 7 56 इंटू 2 112, 112 प्लस कर दिया 9 6 5 7। सो इस तरह से आपका टोटल एनी टू डिजिट अप टू 99 हमने आपको बताया है। आपको समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। आपके लिए मैं कुछ होमवर्क लिख देता हूं इसमें, जो आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में चलता हूं। सबसे पहले आप 12 का स्क्वायर निकालिएगा। ये स्क्वायर आपको आता भी होगा, लेकिन इससे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा आपने सही किया। फिर आप 28 का स्क्वायर निकालिए फॉर एग्जाम्पल, फिर 34 का स्क्वायर निकाल के देखिए, फिर आप 49 का स्क्वायर निकालिए, और फिर आप एक और ले लीजिएगा 52 का स्क्वायर। इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5 इनके स्क्वायर निकालिए। आपको सेकंडों में, ज्यादा से ज्यादा आपको 5 सेकंड लगना चाहिए इस सब काम के लिए। मैं समझता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आप तो जाइए, उसके बाद उसको सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जाइए यदि आप ये चाहते हैं कि आपके पास मैसेज आए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।